नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर को रेप केस का डर दिखाकर पैसे हड़पने का मामला सामने आया है। आरोपी महिला ने अपने पति और एक पुलिसकर्मी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए और प्लॉट देने की अड़ी डाल दी और थाने के बाहर उक्त प्रॉपर्टी डीलर को डरा धमकाकर 5 लाख रुपए हड़प लिए और बाद में उक्त महिला ने थाने जाकर FIR करने से मना कर दिया। बाद में प्रॉपर्टी डीलर ओम सिंह भदौरिया की शिकायत पर महिला, उसके पति और एक जवान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी महिला ने एक दिन पहले ही रातीपड़ थाना क्षेत्र में ऐसे एक मामला अन्य प्रॉपर्टी डीलर पर भी दर्ज करवाया है। आरोपी महिला कुछ समय पहले तक प्रॉपर्टी डीलर ओम सिंह भदौरिया के ऑफिस में ही कार्य करती थी। बाद में भदौरिया ने उसे ऑफिस से निकाल दिया था। फरियादी ओम सिंह भदौरिया जो नीलवड़ का निवासी है, इसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। इसके ऑफिस में एक महिला है वर्षा गोस्वामी, ये काम करती थी। कुछ दिन से इसका काम करना छोड़ दिया है। तो इसने फरियादी ओम भदौरिया से बलात्कार की रिपोर्ट ना करने के नाम पर 5 लाख रुपए और एक प्लाट की लिखापढ़ी कराई। पहले ये थाने पर आई थी रिपोर्ट करने और उसके बाद इनका थाने के बाहर समझौता हो गया तो इसके द्वारा पैसे लिए गए। इस पर इनका समझौता हो गया था। कल इस महिला द्वारा ऐसा पता चला है कि इसने रातीगढ़ में भी उसी के साथी, इस फरियादी के साथी के खिलाफ 376 रिपोर्ट कराई। तब इस फरियादी द्वारा 5 लाख वाली बात थाने पुलिस को बताई और कल रिपोर्ट की इसके द्वारा। तब वर्षा गोस्वामी, उसका पति प्रहलाद गोस्वामी है, गोपाल सिंह के विरुद्ध अड़ीबाजी बलात्कार की धमकी देकर अड़ीबाजी का केस रजिस्टर्ड किया गया। वही पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। खबर समय स्वागत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.